तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रयोग संहारिकै नमहु त्रयोग संहारिकै नमहु त्रयोग संहारिकै जय जिनेंद्र। छठडाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। छठी ढाल की हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारा कर्तव्य क्या है। मंगलाचरण से अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सव सावणम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय। अब तक हमने ये समझा कि सिद्ध बनने की क्या प्रक्रिया है। छहडाला वास्तव में जीव की कहानी है और ऐसी कहानी है कि जिसमें जीव की सबसे दुखद स्थिति से निकालकर उसको अत्यंत सुखद स्थिति में पहुंचाया गया है। अर्थात इस कहानी का प्रारंभ तो बहुत दुख से होता है लेकिन इस कहानी का अंत अनंत सुखरूप अवस्था पर होता है। अब दौलत राम जी हमें अंत में हमारा कर्तव्य बता रहे हैं और बता रहे हैं कि इस कर्तव्य को हमें अवश्य करना चाहिए। क्या है वो हमारा कर्तव्य, आइए देखते हैं दौलत राम जी के शब्दों में। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिरे भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बे ये कहा रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे अब दोल हो सुखी स्वपद रची दाव मत चूको यह। भावार्थ। इस संसार में जीवों को राग रूपी आग सदा जला रही है, इसलिए समता रूपी अमृत का सेवन करना चाहिए। हे भव्य जी, तुमने सदा विषय कषायों का सेवन किया है और दुख उठाया है, अब इनको छोड़कर अपना आत्मपद प्राप्त करो। पर वस्तु में क्यों लुभा रहे हो, वह निष्पद नहीं है, फिर तुम इसे अपना मानकर क्यों दुख सह रहे हो। यहाँ दौलत राम जी स्वयं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे दौलत राम, अब अपना मानकर अपने निजात्मा में लीन हो और इस दुर्लभ अमूल्य अवसर को मत खो। यह राग आग दहे सदा, ये राग रूपी आग अनादिकाल से इस जीव को जला रही है। जैसे आग जलाने का काम करती है, उसी प्रकार यह राग रूपी आग जीव को दुखी करने का काम करती है। राग आदि भाव वर्तमान में आकुलता उत्पन्न करते हैं और भविष्य के लिए भी आकुलता के कारण होते हैं, इसलिए राग को आग की उपमा दी है। आग कहीं भी रखी जाए वह आग जलाने का ही काम करेगी। उसी प्रकार राग किसी भी आत्मा के चित्त में उत्पन्न हो वह राग जलाने का ही काम करेगा। अधिक राग होगी तो अधिक जलेगा और मंद राग होगा तो मंद जलेगा, लेकिन रागादि भाव जीव को नियम से दुखी करेगा। आप देखिए कि दौलत राम जी ने छहडाला का प्रारंभ मंगलाचरण के अंतर्गत वीतराग विज्ञानता को नमस्कार करते हुए किया। अर्थात मंगलाचरण में उन्होंने बात कही कि मैं वीतराग विज्ञानता को मन वचन काय से नमस्कार करता हूँ। तीन लोक में सारभूत वस्तु वीतरागता और विज्ञानता है,
और अंत में भी यही कहा कि हे जीवो, तुम इस राग की आग का त्याग करो, यह राग तुम्हें अनादिकाल से दुखी कर रहा है। और इस राग में भी हमें देखना है कि जो तीव्र राग है उसे हमें पहले छोड़ना है। धन आदि का जो राग है, स्त्री पुत्र मकान जायदाद का राग है, वह तीव्र राग है, अशुभ राग है, पहले हमें उसका त्याग करना चाहिए। वास्तव में परिग्रह और राग पूर्वक जोड़ा जाता है। परिग्रह लोभ कषाय के वशीभूत होकर जोड़ा जाता है और लोभ राग का तीव्रतम रूप है। इसलिए 10 लक्षण की पूजा में आया है कि संतोषी सदा सुखी, सुख पावे संतोषी प्राणी, अर्थात संतोषी जीव हमेशा सुख को प्राप्त करता है। जिन्हें तीव्र राग की आग है, अर्थात जिनके अंदर में धनाधिक का तीव्र राग है, रुपये पैसे का तीव्र लोभ है, 5 इंद्रिय के विषय का लोभ है, वे जीव इस राग की आग में महादुखी है। और जिन्हें संतोष है, रुपये पैसे के अंदर जिन्हें संतोष है, जितना है उसमें उनको संतोष है, वे जीव अत्यंत सुखी है। वास्तव में यह राग ऐसी आग है जो चिंता के समान है। 2 चीज़ें होती है, एक होती है चिता और एक होती है चिंता। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे आदमी को जलाती है। उसी प्रकार परिग्रह की चिंता, रुपये पैसे की चिंता, रुपये पैसे का राग, रुपये पैसे में मूर्छा, वह जिंदे जीव को दुखी करती है। यही कारण है कि ध्यानत राय जी ने 10 लक्षण धर्म की पूजा में कहा कि परिग्रह चिंता दुख ही मानो, अर्थात परिग्रह है वो चिंता ही है, परिग्रह दुख है वो दुख भी मानो, ऐसा नहीं कहा, परिग्रह चिंता दुख ही मानो, अर्थात परिग्रह तो वास्तव में दुख ही है। ये जो परिग्रह का राग है कि तीव्र राग है, अशुभ राग है, पाप बंध का कारण है, वो ये महादुख का कारण है। लेकिन आज इस चीज़ का राग हमारे अंतरंग में तीव्रता से पाया जाता है। धनाधिक का राग जो कि नरक निगोद का कारण है, उस धन पैसे का राग हमारे जीवन में अत्यंत प्रचुरता से उपलब्ध पाया जाता है। तो दौलत राम जी कहते हैं, भाई इस राग को नष्ट करने का उपाय करो, यह राग तो आग के समान है, यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, इसलिए समता रूपी अमृत का सेवन करो, साम्य भाव का सेवन करो, इस तनिष्ठ में समता धारण करने का पुरुषार्थ करो, संतोष रूपी रसायन से राग रूपी अग्नि को जलाओ, यह राग अनादिकाल से तुम्हें दुखी कर रहा है, इस राग को पीपल के अंदर लाख जिस प्रकार उत्पन्न होती है उसकी उपमा दी गई है, अर्थात यद्यपि रागादि भाव उत्पन्न आत्मा में होते हैं, लेकिन आत्मा में उत्पन्न होने पर भी वे आत्मा का घात करते हैं, आत्मा का तिरस्कार करते हैं। आपने पीपल में लाख लगते हुए देखी होगी, पीपल जिस पीपल के वृक्ष में लाख लग जाती है वह पीपल अब अधिक समय तक टिका नहीं रह सकता। वो लाख हुई तो पीपल में है लेकिन पीपल का नाश कर देती है, पीपल का घात करती है। उसी प्रकार रागादि भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं लेकिन वे विभाव भाव है, आत्मा के घात करने वाले परिणाम है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पहले अशुभ राग को छोड़ना है। अशुभ राग को छोड़ने के लिए सप्त व्यसन का त्याग, सप्त व्यसन के अलावा 5 इंद्रिय के विषयों का राग, जिनवाणी में 7 प्रकार से पाप के दर्जे कहे गए हैं, अर्थात किसके अंदर सबसे कम पाप है, उससे अधिक पाप किसमें है, उससे अधिक पाप किसमें है, उससे भी अधिक पाप किसमें है, उससे अधिक पाप किसमें है, ऐसे अनंत अनंत गुना अधिक पाप के दर्जे कहे गए हैं। सबसे कम पाप यदि किसी में लगता है तो वह न्याय नीति पूर्वक 5 इंद्रिय के विषय भोगों का सेवन करने में लगता है। यद्यपि वह भी पाप ही लगता है, वह भी पाप रूप है, लेकिन उसमें पाप अल्प है। न्याय नीति पूर्वक 5 इंद्रिय के विषय सेवन में अत्यंत अल्प पाप है, उससे अनंत गुना पाप अन्याय और अनीति पूर्वक 5 इंद्रिय के विषय सेवन में है, और उससे अनंत गुना पाप काय में लगता है, इसकी चर्चा हम एक अल्प विराम के बाद करेंगे। जय जिनेन्द्र छरडाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है।
सात प्रकार के पाप के दर्जे की हम चर्चा कर रहे थे। प्रथम दो दर्जों की बात कही कि न्याय नीति पूर्वक पांच इंद्रिय के विषय सेवन में अल्प पाप है, उससे अनंत गुना पाप अन्याय नीति पूर्वक पंच इंद्रिय के विषय सेवन में है, और उससे भी अनंत गुना पाप पांच प्रकार के पाप में है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ये पांचों पाप अत्यंत पापमय है, अनंत गुना पाप बंध के कारण है। आज ये स्थिति है कि हम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील को तो पाप मानते हैं, लेकिन परिग्रह को हम पाप मानने को तैयार नहीं है। जो परिग्रह पांचवें नंबर का पाप है और जिसको आचार्यों ने पाप में कहा है, आज उस परिग्रह को जोड़ने वाले पुण्यात्मा के नाम से कहे जाने लगे हैं, भाग्यात्मा के नाम से कहे जाने लगे, और तो और कई लोग तो उन्हें धर्मात्मा तक कह देते हैं, लेकिन वास्तव में परिग्रह तो पाप है। परिग्रह अधिक होवे तो वह नरक गति का कारण है। इतना अवश्य है कि यदि वह परिग्रह जो हमारे पूर्व पुण्य के उदय से आया है, यदि उस परिग्रह को हम यदि दान आदि कार्यों में लगा देते हैं तो वह हमारे पुण्य बंध का कारण होता है। यदि हम उसका त्याग कर देते हैं तो हमारे धर्म में निमित्त बनता है, और यदि हम उसको भोगों में लगाते हैं तो वह नियम से हमारे पाप बंध में ही कारण बनता है। इस प्रकार परिग्रह ऐसा वृक्ष है जिसका बीज तो है पुण्य, लेकिन जिसके फल यदि खाएं तो पाप बंध होगा, और यदि उसके फल त्याग दिए जाएं तो वह धर्म और पुण्य बंध का कारण हो सकता है। लेकिन हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील का तो बीज भी पाप है, वृक्ष भी पाप है, और उसके फल भी पाप स्वरूप है। यही कारण है कि दौलत राम जी यहाँ कह रहे हैं कि हे जीवो, तुम संतोष रूपी अमृत का सेवन करो, साम्य भाव का सेवन करो। इष्ट अनिष्ट में, शत्रु मित्र में, लाभ अलाभ में, हर परिस्थिति में तुम समता रूपी अमृत का सेवन करो। चिर भजे विषय कषाय, अर्थात हे जीव, तूने अनादिकाल से पांच इंद्रिय के विषयों का और कषाय का सेवन किया है। तूने अनंत काल इन पंच इंद्रिय के विषय को भोगने में और कषायों में बिता दिया है, इसलिए पंच इंद्रिय के विषय सेवन से अधिक पाप पांच पापों का कहा, और पांच पाप से भी अधिक पाप कहा है चार कषायों का, अर्थात क्रोध, मान, माया, लोभ रूप जो कषाय है वो चौथे नंबर पर है। उसमें अनंत गुना, पांच पापों से भी अनंत गुना पाप लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि कषाय हमारी आत्मा की अंतरंग मलिन परिणति है। पांच पाप हम काया से करते हैं, पांच पाप के करने में हमारे मानसिक परिणाम उतने नहीं बिगड़ते जितने कषाय रूप परिणाम करने में हमारे परिणाम बिगड़ते हैं, क्योंकि कषाय सीधे आत्मा का भाव है। और यही कारण है कि कषाय को पांच पाप से भी अनंत गुना पाप कहा है। आज जो हम टीवी आदि राग रंग के जो दृश्य देखते हैं, उससे हमारे अंतरंग में राग की तीव्र वृत्ति उत्पन्न होती है। मुनिराज के प्रवचन तो वीतरागता के कारण है, लेकिन जो अन्य जो कि अत्यंत निंद आचरण वाले जीव है, उनके राग रंग के दृश्य देखने से हमारे चित्त में कषायों की भट्टी जलती है, राग की अग्नि जलती है, और उस राग की अग्नि को आचार्यों ने पांच पाप से भी अनंत गुना पाप कहा है। और उससे भी अनंत गुना पाप है अज्ञान पूर्वक आचरण करने में, बिना जाने पंचाग्नि आदि तप करते हैं, अज्ञान पूर्वक आचरण में अनंत गुना पाप है। और अनंत उससे भी अनंत गुना पाप अग्रहित मिथ्यात्व का है, अग्रहित मिथ्यात्व से भी अनंत गुना पाप ग्रहित मिथ्यात्व का है। जो जीव देवशास गुरु का श्रद्धान नहीं करते, सच्चे देवशास गुरु की पहचान नहीं करते, उन्हें अनंत गुना पाप लगता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पाप के सात दर्जे कहे गए हैं। सबसे अधिक पाप देवशास गुरु के अंदर श्रद्धा नहीं करने का है। जो देव को नहीं मानते, शास को नहीं मानते, निर्ग्रंथ गुरु को नहीं मानते, वे वास्तव में बहुत पापी है। इस प्रकार से हमने पाप के सात दर्जे कहे। एक बार पुनः दोहरा दें, सबसे कम पाप न्याय नीति के विषय भोग में है, उससे अनंत गुना पाप अन्याय नीति के विषय भोग में है, उससे अनंत गुना पाप पांच पाप में है, उससे अनंत गुना पाप चार कषाय की प्रवृत्ति में है, उससे अनंत गुना पाप अज्ञान पूर्वक आचरण में है, उससे अनंत गुना पाप अग्रहित मिथ्यात्व का है, और अग्रहित मिथ्यात्व से भी अनंत गुना पाप रागी, द्वेषी, देवी देवताओं की उपासना करना, कुदेव, कुगुरु, कुशास की सेवा करने रूप ग्रहित मिथ्यात्व में। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि तुमने अनादिकाल से विषयों का सेवन किया, पांच इंद्रिय के विषय सेवन में तुमने अनंत काल बिताया। अरे एक एक इंद्रिय के विषय सेवन के गुलाम की
जो दुर्दशा होती है वो मौत से भी खतरनाक है और तुम पांच इंद्री के अनादि काल से गुलाम बने रहे। हे जीवो, अब इस विषयों की गुलामी को छोड़ो, इस कषाय रूप प्रवृत्ति को छोड़ो। अनादि काल से इसको तुमने सेवन किया, कौन सी ऐसी कषाय जिसकी पूर्ति नहीं हुई? अनेक बार तुम्हारी मानादि कषाय की पूर्ति हुई, सब लोक की पूर्ति हुई, क्रोधादिक कषाय की पूर्ति हुई, अनंत प्रकार से तुमने कषाय की और उन सब कषायों की पूर्ति तुम्हारी अनादि काल से आज तक अनेक बार हुई। अब तो इन कषाय की प्रवृत्ति को छोड़ो, पंच इंद्री के विषय को छोड़ो। आज हमारी जरूरत मात्र पेट भरने की होती है। पीने के लिए व्यक्ति को एक गिलास पानी चाहिए, लेकिन एक गिलास पानी से उसका काम नहीं चलता। एक गिलास पानी में भी वो पांचों इंद्रियों के विषय सेवन को चाहता है। एक गिलास पानी होगा तो पानी उसको ठंडा चाहिए, और ठंडे पानी के अंदर भी वो रंग बिरंगा होना चाहिए। रंग बिरंगा ही नहीं, उसके अंदर शक्कर, मीठी शक्कर अथवा कुछ न कुछ उसके अंदर मिठास अथवा कुछ न कुछ उसके अंदर फ्लेवर चाहिए। और इतना ही नहीं, वह पानी वहाँ पीना चाहता है जहाँ की टीवी आदि राग रंग के दृश्य चल रहे हो, अच्छा कोई गाना बज रहा हो। एक गिलास पानी की प्यास को पांच इंद्री के विषय भोग से मिटाना चाहता है। है तो एक गिलास पानी फ्री के अंदर, लेकिन जब उसको उस पेप्सी कोला को 5-स्टार होटल के अंदर पीना होता है तो उस एक गिलास पानी के लिए वो 10 रुपये का दाम देने के लिए तैयार है। यह सब क्या है? यह सब पांच इंद्री के विषय भोग की गुलामी है। जब हमारी प्यास एक गिलास पानी से बुझ सकती है और उस प्यास के लिए हम पेप्सी कोला पिए और वो भी राग रंग के दृश्य देखते हुए, टीवी देखते हुए, गाने सुनते हुए, अच्छे एसी कमरे में बैठते हुए, तो यह वास्तव में और कुछ नहीं है अपितु हमारी पांच इंद्री के विषय की गुलामी को बताता है। आज मनुष्य को भोजन करने के लिए 2 वक्त की भोजन चाहिए, लेकिन वह इतना विषयों का गुलाम है कि उसको सुबह से शाम तक मुँह चराने के लिए कुछ न कुछ घास पत्ती कुछ न कुछ मुँह में रखने की आदत हो गई है। हमें अपने जीवन में इन पंचेंद्री के विषयों की गुलामी को छोड़ना चाहिए। जब तक हम त्रियंश पर्याय में थे तब तक हमें विवेक नहीं था। मनुष्य पर्याय में विवेक की उत्पत्ति होती है और विवेक के द्वारा वह पांच इंद्री के विषय की गुलामी को छोड़ सकता है। दौलत राम जी यहाँ कह रहे हैं कि हे जियो, तुमने अनादि काल से विषय कषाय का सेवन किया, अब तो इस विषय कषाय की प्रवृत्ति को छोड़ो। चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग। अर्थात अनादि काल से जिन विषय कषाय का सेवन किया है उसको अब तो छोड़ और निज पद बेहिये। अर्थात हे जीव, तुम अपने आत्मस्वरूप का अनुभव करो। इस आत्मा में विषय कषाय का प्रवेश भी नहीं है, राग की गंध भी नहीं है। ऐसे इस परम वीतरागी स्वभाव का, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का हे जीवो तुम अब सेवन करो। और दौलत राम जी हमें क्या प्रेरणा देते हैं इसकी चर्चा में कल विराम के बाद। जय जिनेन्द्र छड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं हम दौलत राम जी की छड़ाला की अंतिम दोहे की, जिसके अंदर उन्होंने हमें अपना कर्तव्य बताया है। अब तक उन्होंने कहा कि हे जीवो, यह राग की अग्नि में तुम अनादिकाल से जल रहे हो, विषय कषाय का तुमने अनादिकाल से सेवन किया है, अब तो इसको त्यागो और अपने आत्मस्वरूप का अनुभव करो। और आगे क्या कहते हैं? कहा रचो पर पद मिन तेरो, पद यह क्यों दुख सहे, अब दोल हो सुखी स्वपद रची, दाव मत चूको यह। कहा रचो पर पद में, तू क्यों पर पद में लीन हो रहा है? पर पद अर्थात पर द्रव्यों से होने वाले पद, इंजीनियर के पद, कलेक्टर के पद, डॉक्टर के पद, तू इनमें क्यों लीन हो रहा है? क्यों तू अपने पद को प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं करता है? ये सब परद्रव्य से उत्पन्न हुए, परद्रव्य के आलंबन के पद हैं और ये क्षणभंगुर है ये सारे पद। इंजीनियर जब तक मनुष्य पर्याय है तब तक है, डॉक्टर मनुष्य पर्याय जितना तक है, और इस बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है। आज का इंजीनियर डॉक्टर कल पागल हो सकता है। इसलिए ये जितने भी पद है, कलेक्टर के, इंजीनियर के, डॉक्टर के, इन सब पदों को छोड़ो, तुम तो एक वीतराग पद को प्राप्त करो। आज हमें अपने बच्चों को महावीर बनाने की इच्छा नहीं है, हमें उन्हें इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर ये बनाने की इच्छा है। कभी किसी माँ ने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा वीर बनेगा, महावीर बनेगा। इंजीनियर कलेक्टर बनाने की तो हर एक जीव को इच्छा है,
ये पद सबको प्यारे हैं, लेकिन संसार में यदि सर्वोत्कृष्ट पद कोई है तो वह अनंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य उपाध्याय और सर्वसाधु परमेष्टि का है। उन पदों से बड़ा कोई पद नहीं है। यदि हमें पद प्राप्त करना है तो इन पदों को प्राप्त करना चाहिए, अपने निज पद को प्राप्त करना चाहिए। अनादिकाल से हम पर पद में रचे पचे हैं और ये सब पद हमारे नहीं है, इस पुद्गल पर्याय के हैं, शरीर के हैं, मनुष्य पर्याय के हैं। अपना पद तो इस सब शरीर से रहित सिद्ध पद है, वो अपना पद है। तो दौलत राम जी कहते हैं, कहा रचो पर पद में, इन पर पद में क्यों तू लीन हो रहा है? न पद तेरो, ये तेरे पद नहीं है, क्यों दुख सहे? इन पदों को प्राप्त करने में क्यों इतनी आकुलता करता है? ये जो तेरा स्वाधीन पद है, वीतराग पद है, जो अपने निज पुरुषार्थ से प्रकट हो सकता है, तू क्यों उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं करता है? जितने भी पर पद हैं ये सब पुण्य के उदय से होने वाले पद हैं। अध्यक्ष, मंत्री आदि समस्त पद ये पुण्य के उदय के पद हैं, यह आत्मा के पद नहीं है और इसमें अत्यंत संक्लेश है। कहा गया है, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, जो राजा का पद होता है वो नरक जाने का मार्ग होता है। यदि राजा राज्य अवस्था में मरता है, चक्रवर्ती चक्रवर्ती अवस्था में मरता है, तो वो नियम से सातवें नरक में जाता है। चक्रवर्ती चक्रवर्ती पद में मरता है तो सातवें नरक में जाता है, और वही चक्रवर्ती यदि चक्रवर्ती पद को छोड़कर मुनि दीक्षा अंगीकार करता है तो स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए दौलत राम जी कहते हैं कि इन पदों को छोड़ो, क्यों इन पदों को प्राप्त करने के लिए इतने लालायित हो रहे हो? इस वीतराग पद को प्राप्त करने के लिए हम तुम्हें कह रहे हैं, और ये स्वाधीन है, तुम्हारी आत्मा के पुरुषार्थ से प्रकट हो सकता है। जितना पुरुषार्थ तुम पर पदों को प्राप्त करने का कर रहे हो, उसका अनंतवा पुरुषार्थ भी यदि आत्मपद को प्राप्त करने का करोगे तो तुम्हें नियम से पंच परमेष्टि पद की प्राप्ति होकर इस संसार का अभाव हो जाएगा। तीन बातें दौलत राम जी ने कही। कहा रचो पर पद में, अर्थात पर पद में क्यों लीन हो रहा है? न पद तेरो, वो तेरे पद नहीं है। पर द्रव्यों के अवलंबन से उत्पन्न होने वाले पद तेरे नहीं है, वो क्यों तू पर पदों की प्राप्ति के लिए इतना दुखी हो रहा है? अब दोल हो सुखी, दौलत राम जी कहते हैं कि अब तू सुखी हो, स्वपद रची, अपने निज पद को रचकर, अर्थात अपने आत्मस्वरूप में लीन होकर तू सुखी हो, और यह अवसर बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है। दाव मत चूको यह, अब इस दाव को चूको मत, यह दाव चूकने जैसा नहीं है। यह मनुष्य पर्याय उत्तम कुल, पंच इंद्रिय की प्राप्ति, शरीर की निरोगता, आजीविका की अनुकूलता, बुद्धि की तीव्रता, अच्छी संगति, देवशास गुरु का समागम, जिनवाणी सुनने को मिलना, ये सब बहुत भाग्य से मिले हैं। ऐसा दाव अब अनंत काल में मिलना दुर्लभ है, इसलिए इस दाव को अब मत चूको। यदि ये दाव चूक गया तो ये दाव पुनः मिलना दुर्लभ है। जो पर्याय, मनुष्य पर्याय आज हमें मिली है, यह मनुष्य पर्याय एक बार चली गई, बिना रत्नत्रय की प्राप्ति की यदि यह मनुष्य पर्याय चली गई तो यह मनुष्य पर्याय पुनः मिलना अनंत काल में दुर्लभ है। और मनुष्य पर्याय में भी आज जो हमें समागम मिला है, वैसा समागम पुनः प्राप्त होना अनंत काल में दुर्लभ है। इसलिए अब सब प्रकार से अवसर आया है, अब इस अवसर का हमें अपने आत्मकल्याण में और रत्नत्रय की प्राप्ति करने में उपयोग कर लेना चाहिए। हमने बोधि दुर्लभ भावना में भी ये बात पढ़ी थी कि बोधि की प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि बोधि अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति जिन संयोगों में प्राप्त होती है, उन संयोगों की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। इस संसार के अंदर 6 महीने 8 समय में मात्र 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं, और उन 608 जीवों के अंदर चारों गतियां शामिल हैं, नरक, त्रियंच, निगोद, मनुष्य, देव पर्याय। यद्यपि मोक्ष जाने वाले जीव केवल मनुष्य गति से जाते हैं, लेकिन एक हम सामान्य अनुपात करें तो इस संसार में जितने जीव मोक्ष जाते हैं, लगभग उतने ही जीव नवीन सम्यक को प्राप्त करते हैं, और सम्यक की प्राप्ति चारों गति में हो सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चारों गतियों के अंदर जीव धर्म प्रकट कर सकता है, और मात्र 6 महीने में 608 जीव ही नवीन धर्म को प्रकट करते हैं। उन 608 जीवों में हमारा भी नंबर हो, हम भी संसार से तिरें और हमारे संसार का अभाव हो,
अनादिकाल से जो हमने जन्म मरण का दुख भोगा, रागादि भाव का दुख भोगा, अंतरंग में अनंत आकुलता के दुख भोगे, इन सब दुखों का अभाव हो, ऐसा ही अवसर आज हमें प्राप्त हुआ है। दौलत राम जी अपने आप को और हम सबको भी ये प्रेरणा दे रहे हैं कि हे जीवो, बड़े भाग्य से अवसर मिला है, ये अवसर चूकने जैसा नहीं है। यदि हम मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से भी विचार करें तो आप देखेंगे कि पर्याप्त मनुष्य केवल गिनती के हैं, अर्थात पर्याप्त मनुष्य मात्र 29 अंक प्रमाण है और अन्य गतियों में देव नारकी असंख्यात है और तिर्यंच अनंतानंत है, अक्षय अनंत तिर्यंच है और मनुष्यों का रहने का क्षेत्र भी बहुत कम है, 2.5 द्वीप प्रमाण मात्र उनका क्षेत्र है। अन्य गतियों के रहने का क्षेत्र 3 लोक है, उदाहरण के लिए तिर्यंच गति 3 लोक में ठसाठस भरी हुई है। नरक के क्षेत्र भी 7 पृथ्वी है, देवों का क्षेत्र भी 8 राजू प्रमाण है। इस प्रकार से अन्य गतियों का क्षेत्र भी अधिक है, मनुष्यों का क्षेत्र तो केवल 2.5 द्वीप है, केवल 45 लाख योजन प्रमाण मनुष्यों का क्षेत्र है। काल भी मनुष्य पर्याय में रहने का अत्यंत अल्प है। मनुष्य पर्याय में भी 2 प्रकार की पर्याय है, भोग भूमि और कर्म भूमि। भोग भूमि के अंदर तो फिर भी अधिक समय रह सकता है, लेकिन कर्म भूमि के रहने के दिन गिनती के हैं और मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए जो भाव होते हैं, न अत्यंत अशुभ न अत्यंत शुभ, ऐसे मध्यम जाति के जो परिणाम हैं, संतोष के परिणाम हैं, अल्पारंभ अल्परिग्रह के परिणाम हैं, इन परिणामों की प्राप्ति अनंत काल में दुर्लभ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस मनुष्य पर्याय की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है और मनुष्य पर्याय में भी मनुष्य पर्याय में ही महाव्रत धारण किए जा सकते हैं। एक मनुष्य पर्याय ऐसी है जिसके अंदर 6ठा 7वां गुणस्थान और उसके ऊपर के गुणस्थानों की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य पर्याय ही मोक्ष प्राप्ति करने का एक अद्भुत साधन है। ऐसी इस मनुष्य पर्याय को हम रत्नत्रय को धारण करके सफल बनाए, इस बात की दौलत राम जी यहाँ प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं, सारे पदों को प्राप्त करने की बात छोड़ो, अपनी मान कषाय की पूर्ति के विकल्प छोड़ो। ये जितने भी संसार के पद हैं, ये सब क्षणभंगुर पद है। एक सिद्ध पद ऐसा पद है जो एक बार प्राप्त होने के बाद में अनंत काल तक बना रहता है। ऐसे पद को प्राप्त करने के लिए तुम अपने जीवन को पूरा समर्पित कर दो। एक मनुष्य पर्याय को तुम धर्म के लिए समर्पित कर दो, उससे अनंत काल तक तुम्हें अनंत सुख की प्राप्ति होगी और सदा काल के लिए समस्त दुखों का अभाव हो जाएगा। ऐसे सिद्ध पद की प्राप्ति हम आप सबके जीवन में हो, इसी भावना से आज की बात हम समाप्त करते हैं। कल हम देखेंगे क्या है अंतिम दोहा। तब तक के लिए आप सभी देखिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। पाठशाला सार, अनंत काल से विषय कषाय एवं राग रूपी अग्नि हमें जलाती आई है, इसलिए अब हमें इनका त्याग कर अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति रूप सुख का पुरुषार्थ करना चाहिए। सुखी होने का यह अवसर मिलना अत्यंत दुर्लभ है।